हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फूड ट्रैवल फन। तो आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है, इट इज अ बिग डे बिकॉज़ हम लोग को एक साल हो गया आज, 1 ईयर। तो आज के दिन का हम लोग का पहला वीडियो अपलोड किया था हम लोग ने, तो आज अभी एक साल हो गया, लेकिन अभी उतना हम लोग नहीं कर पाए, 1000 सब्सक्राइबर्स तो हुए नहीं हमारे, लेकिन ठीक है आप ही नहीं चलता है, आप ही नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, तो ठीक है चलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग का मतलब जो जर्नी है, अगर वो ऐसा कुछ बड़ा जर्नी नहीं है, इतना कुछ ये नहीं है, लेकिन ठीक है मतलब हम लोगों ने मिलकर बहुत मजा किया इस एक साल में, बहुत मजा किया है। इतने बिहाइंड द सीन्स कि आपको अगर दिखाने को है ना तो ये हो जाएगा बहुत। तो फिर अभी हम लोग का जो फर्स्ट वीडियो था ना अफजल का, जो अगर देखा रहेगा, वो वीडियो ही नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था वो जस्ट बस कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मतलब ट्राई करके देखते हैं आइडिया। हाँ, कैसा आया था अभी आइडिया, कैसा आया था? अच्छा, ये इसका नहीं है, ये जेन्युइन ऐसा आइडिया है, सुनो ये लोग को भी नहीं मालूम है। मेरी जो भाभी है उसने मेरे को आइडिया दिया, मैंने सोचा था मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर बनूं या फिर मतलब फूड का फोटो, कॉफी बाइट ही मेरा जाके पहला शूट भी किया था, मतलब ऐसा एकदम बोलते ना एकदम प्रॉपर वाला एकदम। तो ऐसा सोचा था कि इंस्टाग्राम पे पेज बनाएंगे और वहाँ से ब्लॉगिंग चालू करेंगे, लेकिन फिर जो मेरी भाभी थी उन्होंने बोला मेरे को कि तेरे पास सब इक्विपमेंट है तो क्यों नहीं ब्लॉग करना चालू करते ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू करते। तो बोला करेगा कौन करेगा, और मेरे को तो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी है ठीक है लेकिन तभी नहीं था। तो तभी फिर अक्षरा को देखा, अक्षरा नहीं है अक्षरा को देखा और अक्षरा को पूछा तू करेगी क्या, ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है, मैं बोले चल करते हैं देखते हैं। और जो अफजल का वीडियो था जिसका जो फर्स्ट लाइन था ना, वेलकम बैक टू फूड ट्रैवल फन रेस्टोरेंट नेम अफजल, उसके लिए हम लोग ने 20-25 स्टेट रोड पे खड़े हुए, ट्रैक पे लिखे हैं, वो सब में निकाले, कौन से जगह कुछ नहीं थे, सुना चलेगा। फिर हम लोग का तो सबसे बड़ा पब्लिक का वीडियो था, पब्लिक का वीडियो 2-3 स्टार्ट। पब्लिक तुमचा आमचा भरोसा नाही काय नाही काय, तुम्हा सगळ्यांना आमच्याकडून राम 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 राम, तुमच्यासाठी असं करता आमचा राम राम, अट्टीचा विषय कसा खोल खोल, पब्लिक तू आमच्याशी गोड बोल गोड बोल, पब्लिक तुम काट 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 काट। तो पब्लिक का वीडियो था गाइस, पब्लिक तुमचा भरोसा नाही काय, माझा अक्षदावरून भरोसा उठतो का विचार लगा। हम लोग उस जगह वो जो जगह आप देखोगे वीडियो में, कैफे जंक्शन के वीडियो में, उस जगह पे लिटरली हम लोग 3 घंटा बैठे थे उस धूप में, स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ, गाना वाला तो 2 दिन पहले रेडी हो गया था, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए इतना रूपस जो मैंने बिहाइंड द सीन्स के वीडियो में हम लोगों ने जो डाला ना वो आधा है, आधा उतना अगर आता तो आप घर पे मेरा एड्रेस वेड्रेस लेके इधर आ जाता, घंटा वंटा लेके आ गया है, वो बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट डाला, लेकिन इतना टेक्स्ट क्या इतना, फिर मैंने एक टेक में कर दिया मेरा काजोल ने वो ऐसा वहाँ पे रखे, ऐसा क्या बोलता अपन एक्सपीरियंस किया था वो आइसक्रीम फैक्ट्री का वीडियो था, उसमें क्या हुआ था काजोल जरा बताइए। ये इतना हावड़ा इंसान है ना कि इसको लेके हावड़ा कोई नहीं लगेगा, एक्चुअली दिखने में वैसा नहीं बट खाने में बहुत ज्यादा है उसका। वो स्पून लेके सबका स्पून लिया उसने 5-6 लोगों को, और उसने ऐसे आइसक्रीम में डाला और उसके मुंह में डाला, मतलब उधर जो आए थे उनका भी एक्चुअली वहां पर बड़ा शॉक हो गया, बहुत बड़ा। उसके अगर रूपस में देखोगे मेरे को लगा था आइसक्रीम है, अच्छा ही लगा, लेकिन वो जब 4 स्पून का मुंह में डाल के आइसक्रीम का उससे देखना क्या होता है। श्रेया को मैंने पहले वीडियो में देखा, ये तो हंसी मजाक वाली बात है। प्रशांत कॉर्नर देखो रात को 10 बजे लेके गए उधर, मेरा काम गाली डालना मेरे को घर पे, और मेरे को 2 दिन बाद बोलता है वीडियो डिलीट हो गया। गाइस वीडियो का ये किसी को नहीं मालूम है, मतलब सिर्फ हम लोग की टीम को मालूम था कि वीडियो मेरे से डिलीट हो गया था। कैमरा से कैमरा में हम लोग शूट कर रहे थे और मेमोरी नहीं था कैमरा में, तो मैंने बोला चलो डिलीट करते हैं, डिलीट। हाँ हो गया है, ये तो लैपटॉप में रहेगा, ये फाइल होगा। और वो जो फाइल्स मैंने घर पे आके चेक किया, प्रशांत कॉर्नर का फोल्डर एम्प्टी, मैंने सिर्फ फोल्डर बना के रखा था और कैमरा का फाइल, और मेरे को वापस जाना है, वापस होटल वाले बोल रहे कितने बार शूट कर रहे हो, एक बार नहीं आया तो नहीं, वो अरे यार 2 बार तो पहले आपको अक्षता देखने मिलेगी, थोड़ा बीच में स्नेहा, तो दोनों वीडियोस का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में हम लोग कहते और मिल सेंटर जो स्नेहा का सेकंड वीडियो था हमारे साथ, तो स्नेहा मेरे को इसने टीम में कैसे लिया बताया, मेरे को सिर्फ बोला कि स्नेहा खाने जाना है, मेरे को भूख लगा था इसलिए मैं चल लिया इसके पीछे खाने के लिए। सब रेडी रहते हैं, पहले वीडियो में खिलाया एकदम सही फैक्ट्री था, दूसरे वीडियो में डोसा खत्म ही नहीं हो रहा है। वो डोसा हम लोग से नहीं खत्म हुआ और वो ऐसी मतलब है ना, ऐसा मतलब हुआ ही नहीं, हम लोग इतना खाने का कुछ नहीं खाएंगे, आज खाएंगे। और ये लोग सब लोग बोलते हम लोग को लेके नहीं गए, हम लोग से खत्म नहीं हो रहा था वो चीज, कुछ पता नहीं किया उधर हम लोग ने, हम लोग के जान पे आया था वो जैसा डालने को। फिर उसके बाद में मालवन का ब्लॉग, मालवन का ब्लॉग इज फेवरेट, क्योंकि उसमें ना ऐसा और जो मालवन का ब्लॉग था उन लोग का सबका पर्सनल फेवरेट है आई गेस, बिकॉज उसमें हम लोग ना बहुत नेचुरली किया है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नो ऐसा ही करना है यही करना है, ऐसा कुछ नहीं, जो जैसा हो रहा था बहुत मजा आया था क्योंकि हम लोग है ऐसे ना है। और उसके बाद में और क्या और कौन सा वीडियो था, किसी को कुछ याद आता है ऐसा कि मतलब ये वीडियो था ना, हाँ बिग पर टेली जो वीडियो लास्ट टू लास्ट वीक आया था मोस्टली, वो वीडियो पता ही है जिसमें मारा गया था, उसमें वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन गाइस। जब भी मैं जाती हूं देयर हैविंग अ डिफरेंट प्लेस इन द हेवन ना, बट गाइस का येलो लाइन ये वेजिटेरियन ये मंडे की इनका वीडियो में नेक्स्ट टाइम को बनाओ, मैं देख ही लोगे ये वेजिटेरियन है ये लोग गाइस। जब भी एक नॉनवेज वीडियो आएगा जिसमें सब नॉनवेज रहेगा, उसमें हम लोग बैकग्राउंड में दिखेंगे, तो या तो बुक पढ़ते हुए या फोन यूज करते, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो पे देखा होगा ये बुक पढ़ रही थी, पढ़ी नहीं थी वो कब से टाइटल ही पढ़ रही थी, तो वो एक था। और बीबीडी में हम लोग को 40 मिनट हम लोग घर रोके थे परमिशन के लिए, परमिशन सिर्फ एक परमिशन। और मजे का बात ये था, मजे का बात क्या था मतलब उसके साथ 8 बार उसको कॉल लगाया और बाद में सबसे लास्ट कॉल किया था तो बोला ओके चलेगा आप अंदर आ जाओ, सो आई वाज लाइक अंदर आ जाओ आप भी अंदर हो ओके हां मैं अंदर हूं। 40 मिनट हम लोग इसके ही रेस्टोरेंट के बाहर इससे ही बात कर रहे हैं और ये एक बार भी नहीं बोला, और बाद में नहीं मेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, लिटरली हम लोग उधर बैठ के सेंड किया यार, फिर कंफर्मेशन आया कि और आपको तो पता है हाउ इंडिया वर्क्स, मेल सेंड करते हैं और कॉल करके पूछते हैं हेलो मेल आया है क्या। और अभी जो तुम लोगों ने कैफे जंक्शन का वीडियो देखा रहेगा, तो कैफे जंक्शन का वीडियो का बिहाइंड द सीन था, उसमें ये वो अगर आप देखोगे ना वो मतलब ऐसा सो टुडे वी हैव ऑर्डर्ड एकदम ऐसा मैं करेगा, तू कर सकता है तू कर ठीक है मैं करेगा सब बेटा फ्लैश फ्लैश ऑन सब कुछ। सो टुडे वी हैव ऑर्डर्ड व्हाट द फक वी हैव ऑर्डर्ड मेनू। हाय मैम, आई एम लाइक दिस कैफे एंड द स्पेशलिटी ऑफ कॉफी सो व्हाट फॉर लिटिल केक नाउ आई हैव ऑर्डर्ड वहां पे सोनाली बैठी है, वो कभी बात नहीं करती है बेसिकली, मैं बोल रही हूं बिकॉज़ ये लोग इतना बात करते हैं तो उन लोगों को देखकर मेरे मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं। ओके सो वो हो गया था। और मेरे को अभी अक्षता आई है, सबका आपने सुन लिया थोड़ा थोड़ा जो भी है, तो अक्षता बता सारा फर्स्ट वीडियो का ही बता दे अफजल का क्या सीन हुआ था। हां ये फर्स्ट वीडियो का यही मैंने कपड़ा डाला था अफजल से नहीं बड़ी पर मैं आज कॉलेज में चल रही। हाँ तो फिर तभी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एक्चुअली मेरे को, मतलब मैंने पहले हाथों में था तब देन थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि कैमरा के सामने से फोटोज खींचने के लिए तो चलता है, बट सो टुडे वी आर एट द रेस्टोरेंट इन टेक्सास नो ऑफेंस बट ऐसा बोला भी था, बट क्या करूं वो सब हुआ था और इतना गलतियां किया था मैंने, इतनी डर गई थी ना। लेकिन जितना भी रेनोवेशन किया है सब में सबका हाथ है, पब्लिक का गाना जब भी बनाया था आई नो कैंटीन में बैठ के भी हो रहा है यार मैच नहीं हो रहा यार राइमिंग वर्ड ढूंढ लो, अक्षय और तुमने बैठ के बनाए थे ना मेरे लेक्चर में गाना, वी मिस यू अक्षय। हां अक्षय मिस कर रहे थे बोला बस आया और हिनल भी हम नहीं है यहाँ पे उसका डेडिकेशन लेवल 9999 गाइस मेरे बेस्ट फ्रेंड का डेडिकेशन लेवल 999999 वो सीए होके ही मान लेती है। और सीरियस नोट अगर स्टार्टिंग में अगर अक्षरा हिनल नहीं होते तो आज एफटीएफ नहीं होता बिकॉज हमें को नहीं था उतना कॉन्फिडेंस। अच्छी बोलो तो स्टार्टिंग में वो बात करने के लिए और आज भी थोड़ा सा ये होता है मेरे को, लेकिन ठीक है आज अभी प्रैक्टिस हो गया अभी आदत हो गया। लेकिन यार वो लोग भी होते हैं तो आज ये सब नहीं होते इधर कोई भी ये सब कुछ नहीं होता तो वो लोग को सबसे बड़ा थैंक यू यार। और अक्षरा ने मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन खाया है स्टार्टिंग में बहुत मतलब बहुत झेला है उसने बट वैसे ऑब्वियसली अगर आप एक स्टेप करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूपहोल्स रहता है या फिर मिस्टेक्स होता ही है। तो आई होप कि अभी ये थोड़ा सा मिस्टेक्स ऊपर आ रहा है हम लोग थोड़ा तो बेटर कर रहे हैं आपके हिसाब से। तो फिर दैट्स इट अभी आगे भी वीडियोस देखते रहो। सबसे बड़ा बात सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार फिर प्रॉब्लम हो रहा है वो तो रेड बटन है कर दो उसको ग्रे क्या ठीक है चलता है ब्लैक एंड व्हाइट भी अच्छा लगता है लोग तो कर दो उसको ग्रे। और ये कि बस अभी और किसी को कुछ बोलना है इधर नहीं फिर बाद में लंबा होता है वीडियो ऐसा आप बोल रहे हैं। और मेरे को ऐसे भी केक खाने की बहुत जल्दी है ब्रिंग द फकिंग केक 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 गाइस केक 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 किधर है। और ये सबसे बड़ा चीज जो पूरा वीडियो देखा इस इंसान ने किया है वो ही इज माई बॉडी। जो अपना पब्लिक का वीडियो था वो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना भी जिसमें मैं हूँ ना जिस वीडियो में तो कैमरा के पीछे ये इंसान है तो थैंक्स टू यू। और तो गाइस जैसा अभी हो गया केक काटने का अपने को तो ये बाय द वे केक पहले ये देख लो कि ये केक मरियम केकरी ऐसा लिखा हुआ लिखेगा। तो बाय द वे इस केक का पहले मैं खोल लूँ इस केक का सबसे बड़ा बात यह है कि ये कस्टमाइज करके लिया है। और मरियम केकरी वो आपको यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आएगा वहाँ पे उसके हाईलाइट्स में उसका एक वर्कशॉप भी है वो एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो भी अगर किसी को केक बनाना सीखना हो जैसे कि अक्षता देखो आता है इसको कुछ नहीं आता है तो जैसे कि जो केक बनाना है तो अगर आपको सीखना हो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे जो इंस्टाग्राम का आईडिया आ रहेगा तो उस पर जाओ मेरे और वहाँ पे हाईलाइट्स में उसके वर्कशॉप का सब डिटेल्स है। और केक कभी तो लाइफ में एक बार खाओ एक बार अब ये केक दिखाते हैं आपको।